हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं छात्रों के लिए शिक्षक दिवस पर छोटा सा भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य, मेरे सभी प्रिय शिक्षकों और मेरे सहपाठियों, शिक्षक दिवस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ उस दिन को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, शिक्षक दिवस। यह दिन उन निस्वार्थ व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो इस देश को भविष्य दे रहे हैं, जो हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। हमारे शिक्षक हमारे मार्गदर्शक है, जो हमारे लिए ज्ञान, बुद्धिमत्ता और चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिक्षक दिवस केवल फूल और उपहार देने का दिन नहीं है, यह हमारे शिक्षकों द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्य के लिए हमारी गहरी कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने का दिन है। वे हमारे भविष्य को आकार देने और हमारे समाज में के जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका समर्पण हमारे क्लासरूम से परे जाता है, क्योंकि वे हमें बड़े सपने देखने और खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दिन हम महान दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं, जिनकी जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि सहानुभूति, करुणा और आलोचनात्मक सोच की भावना को बढ़ावा देने के बारे में भी है। छात्रों के रूप में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे शिक्षक हैं जो न केवल ज्ञान प्रज्ञान करते हैं, बल्कि ऐसे मूल्य भी देते हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। वे हमें पाठ्य पुस्तकों से आगे सोचने, प्रश्न पूछने और अपने आसपास की दुनिया से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें ऐसा सुरक्षित और पोषणकारी वातावरण प्रदान करते हैं जहां हम सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और गलतियां कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आइए अपने शिक्षकों के समर्पण, धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकालें। आइए उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को हम सफल बनाने का वादा करें और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास करें। मिलके प्रण लेते हैं कि इस शिक्षक दिवस पर न केवल अपने शिक्षकों का जश्न मनाएं, बल्कि उनके द्वारा हमारे जीवन में लाई गई सीखने और विकास की भावना का भी जश्न मनाएं। तो दोस्तों, आज का यह भाषण आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।